आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं काटी बिरसोला घाट गोंदिया जिला महाराष्ट्र में घुमाकर लाता हूँ। देखिए बड़ी रौनक है, सर्वत्र चारों तरफ भरी भरी हरियाली है। देखो बड़ी बड़ी टेकरियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। अपन धीरे धीरे चलेंगे, बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं। कोई माता पार्वती का मंदिर है, कोई शिवलिंग है, शिवलिंग भगवान है, कोई गणपति भगवान का मंदिर है, कोई गंगे माता का मंदिर है। स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। यहाँ तीन नदियों का संगम होता है। जैसे बहुत सारे लोग काल सर्प शांति के लिए उज्जैन वगैरह जाते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, तो जो जा नहीं पाते आर्थिक रूप से, तो यहाँ पर पंडित और पुरोहित को साथ में लेकर आते हैं और पंडित द्वारा बताई हुई उचित सामग्री के साथ में चांदी के सर्प, लोहे के सर्प, सोने के सर्प, एल्युमिनियम के, पीतल के सांप वगैरह बनाकर इस तीन नदियों के संगम में काल सर्प शांति या पितृदोष शांति, राहु शांति के लिए कथा है, यज्ञ है, पूजन है, करते हैं। यहाँ नाग बाबा का मंदिर है, शिवलिंग शिव भगवान का मंदिर है, माँ पार्वती का है, गंगे जी का मंदिर है। बहुत बड़ा घाट है और बहुत ही बड़ा इसका पार्ट है। सर्वत्र चारों तरफ हरियाली है। देखिए घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं, देखिए रेत के कितने बड़े बड़े पार्ट है ये। वाह, नज़र हटाए हटती नहीं है। मैं रेलवे ट्रेन से काटी में उतरा और वहाँ से कोई साधन नहीं था ये बिरसोला घाट आने का, तो मैंने किराए की साइकिल निकाला और साइकिलिंग करता 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 धीरे धीरे, ये गंगे माता का मंदिर है, पहुँचा मैं इधर। ये सब पुराने ज़माने के बने हुए हैं, ये पौराणिक। पहाड़ियाँ हैं और ये ग्रेनाइट के पत्थर वगैरह हैं। भगवान गणपति का मंदिर भी है। मैं आपको शिवलिंग के दर्शन करने ले चलता हूँ। अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। देखिए शिवलिंग भगवान के दर्शन कर लीजिए और मैं निवेदन करूँगा कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी भी मित्रों के साथ में आने का, अकेले नहीं आने का, मेले वगैरह में आइए, कोई यात्रा में आइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।